तीसरा अध्याय। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चुक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चुकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो, वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है, और मिलाप करने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है।